है व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू टेक डिगर चैनल। तो गाइज, हम इस वीडियो में लेनोवो लॉक सीरीज़ का ये 4060 वेरिएंट वाला जो लैपटॉप है, इसका परफॉर्मेंस, इसका बिल्ड क्वालिटी, इसका डिज़ाइन और इसका जो परफॉर्मेंस है, हर एक चीज़ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है लेनोवो लॉक का ये बॉक्स, और ये बॉक्स जो है एकदम सिंपल है, और अंदर में जो है मोटा एक फोम से ये कवर किया हुआ है। जो पैकेजिंग जो है काफ़ी बढ़िया है, बट लेनोवो लीजियन जैसा नहीं है कि बॉक्स के अंदर और एक बॉक्स रहेगा, और अंदर में कुछ पेपर्स वगैरह है। 170 वाट का ब्रिक चार्जर है जो काफ़ी फास्ट चार्ज करता है, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में 50% चार्ज ये कर देता है। और ये है फाइनली हम लोगों का लेनोवो लॉक का लैपटॉप। पीछे खाली लेनोवो का ब्रांडिंग दिया हुआ है, और लॉक का जो ब्रांडिंग है वो ऊपर में है, जो काफ़ी बढ़िया फिनिश दिया हुआ है। ग्रे मेटल फिनिश का है और हार्ड प्लास्टिक का है, ये मैट फिनिश है। ये है हम लोगों का लैपटॉप। तो गैस, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्ड क्वालिटी से। तो ये जो मेटल दिया हुआ है, ये हार्ड प्लास्टिक मेटल है, और ये स्पेस ग्रे टाइप का कलर है। और इसमें जो कीबोर्ड जो लगा हुआ है, ये फुल साइज कीबोर्ड है विथ नाम पैड। फुल साइज का मतलब ये है विथ नाम पैड जो है ये रहेगा। और इसका जो कीबोर्ड है ये RGB कीबोर्ड नहीं है, क्योंकि हम थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग करके लिए हैं। RGB कीबोर्ड अगर हम लगा देते हैं तो एक्स्ट्रा हमको 4000 rupees हमको पे करना पड़ता है, बट हमको चाहिए पावरफुल मशीन, तो हमको RGB नहीं चाहिए। तो ओनली बैकलिट LED इसमें दिया हुआ है। और ये एक्चुअली इसका जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी है, एक काइंड ऑफ मैट फिनिश, मैट मेटालिक टाइप का फिनिश इसमें दिया है। और इसका जो वेंट जो है, दोनों साइड में वेंटिलेटर है जो एयर को कूल करने के लिए, और नीचे में एक जो कूलिंग सिस्टम है जो इंटेक होता है पीछे से, और ऐसे घूम के बाहर से दोनों साइड से वो निकल जाता है। वो बहुत बढ़िया कूलिंग सिस्टम है, मतलब इसका जो थर्मल है बहुत अच्छे परफॉर्मेंस देता है। और नेक्स्ट कीबोर्ड का जो ट्रैकपैड का जो साइज है, वो ट्रैकपैड का साइज 12 सेंटीमीटर लेंथ है, और 7.5 सेंटीमीटर जो है इसका थिकनेस है, मतलब मीडियम साइज है। हम नहीं कहेंगे कि बहुत बड़ा है, बट ठीक ठाक है। और इसका जो स्क्रीन रिफ्रेश जो है, रेट जो है 144Hz का 1080p डिस्प्ले के साथ ही ये आता है। इसमें 2K डिस्प्ले अगर आप करना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा, जो हम जो है थोड़ा सा हम पहले ही बोल दिए कि कॉस्ट कटिंग करके हम लिए हैं। और इसका जो लॉक ब्रांडिंग है, ये लॉक ब्रांडिंग जो है इसमें थोड़ा सा शाइनिंग इफेक्ट जो है दिया रहता है, तो ये काफ़ी बढ़िया दिखने में लगता है। बट लेनोवो लीजियन से अगर हम कंपेयर करें, थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी जो है इसका थोड़ा सा हमको डाउन लगा। और इसका जो कीबोर्ड का जो फ्लेक्स है, ये फ्लेक्स एकदम ना के बराबर है। बिल्ड क्वालिटी जो है प्लास्टिक का ठीक है, हार्ड प्लास्टिक का ठीक है, बट सॉलिड डिज़ाइन जो है ये लोग बनाए, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी बनाए। और इसका जो ओवलिंग है ये बहुत कम मिलता है, मतलब एकदम ना के बराबर इसमें ओवलिंग जो है ये मिलता है। तो जैसे HP ओमेन में अभी तक मतलब काइंड ऑफ ओवलिंग है, बट इसमें उतना ओवलिंग नहीं होता है। और इसमें जो एक चीज़ हम देखे हैं, ये 170 डिग्री तक जो है एकदम स्क्रीन जो है आप फोल्ड कर सकते हो, जो काफ़ी अच्छा है। और ये बिल्ड क्वालिटी जो अगर हम देखें, तो इसका एक हमको डिसएडवांटेज लगा है, जो ट्रैकपैड है वो थोड़ा सा मिडिल में देना चाहिए, क्योंकि हर टाइम जो है राइट साइड में हम बचपन से यूज़ करके आ रहे हैं, तो बेटर होता अगर वो मिडिल में अगर देते। और अगर हम डिस्प्ले एंड पोर्ट्स के बारे में अगर हम बात करें, तो ये डिस्प्ले जो आता है ये 1080p डिस्प्ले है विथ 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ ही आता है। अगर आप मतलब बैलेंस मोड में अगर आप ऑन करते हैं, तो इसमें 72Hz एंड 144Hz का ही आपको ऑप्शन दिखेगा। अगर आप मतलब जो नॉर्मल परफॉर्मेंस होता है उसमें आपको ओनली 144Hz का स्क्रीन सिलेक्ट करने का आपको ऑप्शन देगा। और ये 100% sRGB डिस्प्ले है, जो कलर फोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आपको और भी एक्यूरेट डिस्प्ले चाहिए, तो सिंपली आप एक्सटर्नल डिस्प्ले आप सिंपली यूज़ कर सकते हो। और इसमें सामने में जो है ये 1080p का एक कैमरा वेब कैम दिया हुआ है, और राइट साइड में आपका एक कैमरा स्विच ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है। और राइट साइड में ऑन ऑफ कैमरा स्विच बटन है, उसके पास ही जो है USB 3.2 Gen 1 का एक टाइप पोर्ट है, और लेफ्ट साइड में एक टाइप सी का चार्जर है, एंड ऑडियो जैक भी है, मतलब जिसमें आप हेडफोन लगा के सिंपली कनेक्ट करके आप ऑडियो सुन सकते हो, ऑडियो वीडियो। एंड
पीछे का साइड में जो है एक पावर कनेक्टर, एक HDMI कनेक्टर जो 4K 60 हर्ट्ज तक सपोर्ट करता है, लेकिन स्पेसिफिकेशन में लिखा है 8K 60 हर्ट्ज तक ये सपोर्ट करेगा, बट 8K का हमको नहीं लगता है कोई ज़रूरत है, लेकिन 4K 60 हर्ट्ज तक ये सपोर्ट करेगा। और इथरनेट कनेक्टर भी है, और पीछे और दो USB 3.2 जेन का पोर्ट दिया हुआ है। तो अभी हम इसका जो मक स्विच के बारे में हम इसमें बात करेंगे, तो मक स्विच में इसमें लेनोवो वेंटेज सॉफ्टवेयर जो है इसमें हाइब्रिड मोड है, हाइब्रिड IGP मोड है। तो हाइब्रिड मोड में क्या करता है कि इधर सिंपली लिखा है कि एनेबल बोथ इंटीग्रेटेड एंड डेडिकेटेड ग्राफिक्स, तो मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में यही यूज़ होता है। तो सिंपली आप हाइब्रिड मोड में ऑन करके आप सिंपली आप लैपटॉप कर सकते हैं ऑन, मतलब यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है हाइब्रिड IGP मोड ओनली, इसमें IGP यूज़ होगा, एक्सटर्नल कोई डेडिकेटेड ग्राफिक्स यूज़ नहीं होगा। तो इसमें जो है आप ग्राफिक्स इंटेंसिव अगर कोई भी काम करोगे तो उतना इफेक्ट नहीं आएगा, थोड़ा स्लो, मतलब जो हाइब्रिड मोड में फास्ट होगा उससे थोड़ा स्लो होगा। और हाइब्रिड ऑटो मोड वो तो ये क्या करता है कि व्हेन मतलब जब भी आप चार्जिंग अप देते हैं ना, तो चार्ज में आप कनेक्ट करते हैं ना, तो सिंपली जो है वो दोनों को इस्तेमाल करके आपको परफॉर्मेंस देगा। और DGPU मोड जो है वो ओनली ग्राफिक्स कार्ड को यूज़ करके आपको परफॉर्मेंस को बेटर करेगा। और जो है जब आप डिस्प्ले आउटपुट दोगे तो बाई GPU जो है ये डिस्प्ले आउटपुट देगा। तो ये हाई डिस्प्ले परफॉर्मेंस के लिए DGPU मोड है। तो ये टोटल जो है चार मोड है जो लेनोवो वेंटेज सॉफ्टवेयर में आप सिंपली इसको इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट जो है सिंपली लेनोवो वेंटेज में कितना CPU यूज़ हो रहा है, कितना GPU यूज़ हो रहा है, SSD यूज़ हो रहा है, ये सब जो है सब कुछ देख सकते हो। और सिस्टम अपडेट में सिंपली क्लिक करके आप जो है परफॉर्मेंस मतलब कि क्या अपडेट है, BIOS अपडेट और भी बहुत सारा चीज़ें जो है अपडेट आप सिंपली कर सकते हो। और पावर ऑप्शन है, लीजियन एरिया है, जो लीजियन एरिया हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, वो एक्चुअली गेमिंग पर्पज़ के लिए, कौन सा गेम कहाँ रखना है ये सब के लिए जो है वो लीजियन एरिया है, तो उसको भी आप सिंपली डाउनलोड करके आप सिंपली ये देख सकते हो। और इसमें लेनोवो वेंटेज में और भी ऑप्शन है, GPU ओवरक्लॉक, नेटवर्क बूस्ट, ऑटो क्लोज और टच पैड लॉक, ये सब का ऑप्शन ऑलरेडी है, रैपिड चार्ज, वाईफाई सिक्योरिटी, ये सब का ऑप्शन है। तो लेनोवो वेंटेज सॉफ्टवेयर जो है काफ़ी मतलब हेल्पफुल है आपको काम का जो है जो भी सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए, और जो है इजीली आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये है बहुत बढ़िया बात है लेनोवो लॉक की तरफ से। तो अब बहुत बातें हो गया बिल्ड क्वालिटी एंड पोर्ट्स के बारे में, अब असली चीज़ों में आता है वो है स्पेसिफिकेशन। इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, तो ये लैपटॉप एक्चुअली आता है आपका इंटेल 13 जेन प्रोसेसर, i7-13620H का प्रोसेसर के साथ आता है, विद 10 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स के साथ जो है ये आता है, और 6P कोर्स और 4E कोर्स के साथ ही ये मिलता है। और नेक्स्ट जो मेमोरी है इसका DDR5 5200 MHz का रैम इसमें दिया है, दो स्लॉट में ये अवेलेबल है, 8GB एंड 8GB। इसको अब मैक्सिमम इसमें बॉक्स में लिखा है 32GB तक सपोर्ट करता है, बट हम इसमें कैलकुलेशन करके देखे हैं कि 64GB तक आप सिंपली इसको अपग्रेड कर सकते हो। और मेरा जो वेरिएंट है इसमें PCIe 4 का जो है, PCIe 3 का जो है, Gen 2 का SSD लगा हुआ है 512GB का। और GPU जो है इसमें एक डेडिकेटेड GPU है और एक इनबिल्ट मतलब जो प्रोसेसर के साथ जो GPU है वो भी 8GB VRAM के साथ है, और NVIDIA RTX 4060 with 8GB VRAM and 115W TGP के साथ ये आता है, जो काफ़ी पावरफुल है, और मैक्सिमम पावर 110 एंड 100 तक ये जाता है, जो काफ़ी पावरफुल है फॉर वीडियो रेंडरिंग, फॉर गेमिंग, फॉर 2K गेमिंग, ये एक्चुअली 2K गेमिंग तक ये सपोर्ट करता है। और SSD जो है दो स्लॉट है जिसमें आप 1TB 2TB तक आप सिंपली इसमें अपग्रेड कर सकते हैं। और स्पेसिफिकेशन के साथ जो है कुछ स्कोर्स जो है हम आपको दे देंगे, Geekbench का जो सिंगल कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर भी हम आपको दे देंगे, और वही आप जो है देख लीजिए। तो हम आपको जो है रियल वर्ल्ड का हम आपको परफॉर्मेंस दिखाएंगे,
तो पहले जो है हम लोग एक्सपोर्ट का जो सेटिंग है उसको चेंज करते हैं, ये 4K में एक्सपोर्ट होगा और हायर क्वालिटी में, और फ्रेम रेट जो रहेगा ये 24 FPS में हम लोग जो है इसको थोड़ा सा सिनेमेटिक लुक देके एक्सपोर्ट करेंगे। और इसका आप साइज़ आप देख सकते हो 3952 मेगाबाइट का है, मतलब ऑलमोस्ट 4 GB के आसपास, और ड्यूरेशन जो है 7 मिनट 10 सेकंड का ये वीडियो ड्यूरेशन है। तो इसको हम लोग जो है अभी एक्सपोर्ट करेंगे और देखते हैं रियल टाइम में कितना टाइम लगता है 4K में एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ये कोई टाइम लैप्स करके हम जो है आपको एस्टिमेट नहीं बताएंगे, पूरा वीडियो एक्सपोर्ट मतलब हुआ है तो इसका रिकॉर्डिंग हम किए हैं, तो और एकदम रियल टाइम फुटेज जो है हम आपको दिखा रहे हैं, तो देखते हैं कि कितना टाइम लगता है ये एक्सपोर्ट होने में। और ये जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं विथ चार्ज हम कर रहे हैं, अब इधर सिंपली देख सकते हैं, क्योंकि विथ चार्ज जो है GPU का पावर जो है बहुत अच्छे से हैंडल होता है, और लेनोवो वेंटेज ऑटोमेटिकली इसको कंट्रोल करता है कि जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे उसमें कितना परसेंट आप GPU खर्चा करोगे और CPU कितना परसेंट काम करेगा, वो मतलब लेना वो वेंटेज सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली AI से जो है वो मतलब काम कर जाता है। ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये लैपटॉप के अंदर, जो काफ़ी फ्यूचर प्रूफ भी है, और ये चीज़ जो है मतलब बहुत अच्छे से हैंडल होता है, मतलब पिछले साल में जितना सारा लैपटॉप था इससे पहले साल में तो क्या होता था, कोई मतलब मार्क्स स्विच तो था लेकिन AI वाला सीन नहीं था, बट इसमें AI वाला सीन है तो आपको मतलब ऑटोमेटिकली जो है सब कुछ कंट्रोल हो जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगाता है ये। तो सक्सेसफुली ये कंप्लीट हो गया, 3 मिनट्स 24 सेकंड टाइम लिया है 7 मिनट्स का और 7 मिनट 10 सेकंड का वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए, जो काफ़ी फास्ट है। वो 4K में ये एक्सपोर्ट हुआ है तो आप समझ ही सकते हो, विथ लॉट्स ऑफ इफेक्ट्स हम इसमें दिया है बैकग्राउंड में, मतलब बहुत सारा इफेक्ट्स है इसमें, बैकग्राउंड टेक्स्ट है और फोटो मतलब कलर एडिटिंग भी है और जो है कट बहुत ज़्यादा है, तो मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ये दिया है, मतलब एकदम मतलब 4060 का जो होना चाहिए परफॉर्मेंस वही ये दे रहा है। और अब एक्सपोर्ट क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, ये हम फ़ोन से शूट किया इसीलिए थोड़ा सा क्वालिटी जो है डाउन है, बट ये रियल टाइम परफॉर्मेंस आपको दिखा दिया, आप समझ सकते हो कितना 4060 पावरफुल है। आप इधर देख चुके हैं कि रियल टाइम परफॉर्मेंस जो है 4K 30 FPS में 7 मिनट 39 10 मिनट्स के आसपास ये क्लिप्स था, तो इसको रेंडरिंग एंड एक्सपोर्टिंग टाइम जो है 3 मिनट्स 31 सेकंड में ये
एक्सपोर्ट हो गया, तो ये काफ़ी फास्ट है 4060 के लिए। और हमको लगता है कि एज ए यूट्यूब बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल और एक्सपर्ट लेवल भी जो है बहुत आराम से इस लैपटॉप को ले सकते हैं। और इसका परफॉर्मेंस आप ऑलरेडी रियल वर्ल्ड में आपको हम देख चुके हैं, मतलब दिखा चुके हैं, कोई टाइम लैप्स नहीं है, एकदम रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस जो है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि 4K 60fps में ये कितना कैपेबल है और 6K वीडियो में ये एडिटिंग कर पाता है कि नहीं, ये भी हम उस वीडियो में आपको दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। तो बहुत जल्दी वो वीडियो जो है आने वाला है। और 6K फुटेज अगर आप मेरे को पूछें कि वो कहाँ से आएगा, क्योंकि आपके पास तो 6K कैमरा है नहीं, तो 6K फुटेज जो है बहुत सारा वेबसाइट में रियल वर्ल्ड का फुटेज दिया रहता है, तो उसको हम डाउनलोड करके जो है एक सिंपल सा एक वीडियो एडिटिंग हम आपको करके दिखाएंगे कि ये एक्चुअली 4060 8GB वाला वीरम वाला जो लैपटॉप है वो कैपेबल है कि नहीं, वो भी हम उस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो ये जो परफॉर्मेंस है, हमको लगता है इसके बाद जो है कोई आपका स्कोर और ये सब देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप मतलब इसको देख के अगर आप सिंपली हाई क्वालिटी 1080p वीडियो भी अगर शूट करके इसमें एडिट करना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम, विदाउट एनी हेजिटेशन सिंपली आप इसको बाय कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अगेन। अगर आप मेरा वीडियो पसंद करते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑफकोर्स सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बट उससे जाने से पहले हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि और आपको क्या क्या चाहिए नेक्स्ट वीडियो में, कि इस लैपटॉप में और क्या क्या आप सजेशन दे सकते हो, क्या क्या टेस्ट आप मतलब देखना चाहते हो, तो सिंपली मेरे को कॉमेंट बॉक्स में उधर लिखिए, कॉमेंट करिए। हम 100% कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक के ऊपर जो है हम फिर से हम वीडियो बनाएं। और आपको तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो मतलब किस टाइप का आने वाला है पूरा एडिटिंग के ऊपर, क्योंकि बहुत सारा लोग जो है एडिटिंग को स्किप कर जाता है, बोलता है कि 4060 है तो 4050 है आराम से एडिट कर जाएगा, बट रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस कोई नहीं दिखाता है। सो हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में 4K 60fps का एडिटिंग भी हम आपको दिखाएंगे, और 6K वीडियो ये एडिट कर पाता है कि नहीं ये लैपटॉप, वो भी हम इस वीडियो में दिखाएंगे। 8K नहीं करेंगे, क्योंकि 4060 जो है ये 8K नहीं हैंडल कर पाएगा। हो सकता है कि थोड़ा सा क्लिप जो है हमको रेंडरिंग करके उसमें देना पड़ता, बट जो है बहुत लैग होगा। हम 100% हमको पता है कि 4060 में 8K वीडियो इम्पॉसिबल, समटाइम्स हो सकता है बट एक्सपोर्ट भी हो सकता है, बट उतना स्मूथली नहीं होगा जितना 4K वाला वेरिएंट जो है ये होने वाला है। तो जो भी है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए। हम बहुत जल्दी विद इन 1 वीक हम जो है ये वीडियो इस चैनल पे हम लाने वाला है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अगेन एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।